टॉप मूवी मूवी मोटिवेशनल और रिलैक्सिंग, आइए सुनते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखकर मजा आ जाएगा यादों के झरोखे से। विश्व में बनाई है, और ये वही मूवीज़ है जिन्होंने बॉलीवुड का डेफिनेशन चेंज करके रख दिया है। अगर आप 50 साल बाद भी इन मूवीज़ को देखेंगे तो भी ये उतना ही इम्पैक्ट आप पर डालेगी। नंबर 10 पे है अ वेनसडे। जब सबका विश्वास उठ चुका था बॉलीवुड पर से कि ये सस्पेंस थ्रिलर हॉलीवुड के लेवल की बना ही नहीं सकती है, उस टाइम पे इस मूवी ने एंट्री मारी थी। आज के टाइम में जहां एक एक्टर अपने स्टारडम के दम पे 5 से 10 करोड़ रुपए डिमांड करता है एक मूवी के लिए, वहां पे वेनसडे जैसी मूवी बनती है जो 5 करोड़ रुपए में पूरी मूवी बनी है और इसने बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ रुपीस कमाए हैं। तो आगे आने वाली मूवीज ऐसी ही है जिन्होंने अपने दमदार परफॉर्मेंस से ऑडियंस की सोच बदल के उनका दिल जीत लिया है। तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूँ जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। 2018 यंग एंटरप्रेन्योर सर्वे के अनुसार 40% यूथ द रॉकेट सिंह मूवी को देख के इतने इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने अपनी घिसी पिटी जॉब को छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हम ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां हमारी एक भी स्पेशल बात कोई नहीं देखता। मैं एक जोकर सरदार और तू एक आइटम। नंबर 8 पे है लंच वॉक। इस मूवी ने बॉलीवुड के अंदर आर्टिस्टिक मूवीज का एक नया दरवाजा ओपन कर दिया, और मैं अपने आप को उन लकी लोगों में से मानता हूँ जिसने बॉलीवुड के ही नहीं लेकिन पूरे दुनिया के सबसे बड़े दो दिग्गज कलाकार नवाज भाई और इरफान खान की एक्टिंग पर्दे के ऊपर देखी। नंबर 7 पे है बर्फी। टॉप 10 लिस्ट की ग्रुप में सबसे क्यूटेस्ट और सबके दिल के करीब ये मूवी है। इस मूवी ने हमें इतना तो जरूर सिखा दिया है कि हम इस दुनिया में जिन्हें एबनॉर्मल समझते हैं वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा नॉर्मल है। नंबर 6 पे है लगान। इस मूवी को ऑडियंस ने थिएटर के अंदर सिर्फ देखा ही नहीं है लेकिन फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया है। यकीन नहीं होता है कि आशुतोष गवारेकर जी की पहली सोलो डायरेक्शन मूवी है ये। शर्त ये है कि तुम हमको इश्क में हराओ और हम तुम्हारे लगान माफ कर देगा। बोलो, शर्त मंजूर है? नंबर 5 पे आशुतोष सर की ही मूवी है जिसका नाम है स्वदेश। आज भी कोई इंसान अपने गांव वापस जाता है तो लोग यही कहते हैं, स्वदेश देखिए क्या। इस मूवी की तारीफ मैं क्या करूं, बस ये छोटा सा सीन देख लीजिए। फेवरेट कॉमेडी मूवी हेरा फेरी। ये मूवी टॉप 10 लिस्ट में इसलिए डिजर्व करती है क्योंकि किसी इंसान को हंसाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आज भी चैनल चेंज करते करते अगर ये मूवी सामने आ गई तो दुनिया में एक इंसान नहीं है ऐसा जो इस मूवी को देखने के बाद चैनल चेंज करते। देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे सर? वो मेरी मछली का क्या हुआ?
वो तो मैं खा गया। खा गए? हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। नंबर 3 पे है अंधाधुन। अगर बॉलीवुड का म्यूजियम बनाया जाए तो ये मूवी 100% वहां पे रहेगी। और उसका रीजन ये है कि बॉलीवुड को मिला के अगर जितना ट्विस्ट और टर्न नहीं बनता है उनकी मूवी के अंदर, उतना अकेली इस मूवी के अंदर है। आप सीट पकड़ के बैठ जाते हैं। ये वैसी मूवी है जिसको देखने के बाद आप पूरे टाइम इसी के बारे में सोचते रह जाएंगे। नंबर 2 पे है द फादर ऑफ सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम। ये उन मूवीज में से एक है जिनको देखने के बाद शरीर थिएटर के बाहर चला गया था लेकिन दिमाग अभी भी मूवी के अंदर ही था। और ये मूवी अपने नाम पे बिल्कुल खरी उतरी है। 50 साल के बाद भी आप इस मूवी को देखेंगे ना तो इस मूवी का एक एक दृश्य आपको बिल्कुल याद रहेगा। इसके पास सिर्फ एक ही सबूत है, हमारा डर। मैंने उसे गंवार समझकर बहुत अंडरएस्टिमेट किया। अब नंबर 1 मूवी बताने से पहले इन मूवीज का मेंशन तो बिल्कुल बनता है क्योंकि ये टॉप 10 की जो लिस्ट है ना ये बहुत ही छोटी है। तो आज नहीं तो कल लोग धंधा भूल जाएंगे। गोल्ड जीती तो मिसाल बढ़ जाएगी। और मिसालें दी जाती हैं बेटा, गोली नहीं जाती। बलवानी दो सिर्फ छोरे करें। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये तो गुनिया है, ये हमारा नहीं है। भगवान के भरोसे मत बैठे। का पता भगवान हमारे भरोसे बैठा। नंबर 1 पे है 3 इडियट्स। अगर किसी अनजान इंसान को बॉलीवुड पता नहीं हो तो सैंपल के तरीके हम उसे ये मूवी दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस मूवी के अंदर म्यूजिक अच्छा है, कॉमेडी है, इमोशनल है, सोशल मैसेज है, इंस्पिरेशनल है, लोकेशन बेहतरीन है, स्टोरी बहुत अच्छी है, एक्टिंग धासु है। तो ये मूवी एक कंप्लीट पैकेज है। 3 इडियट्स को हॉलीवुड के अंदर और एशियन कंट्रीज के अंदर भी रीमेक किया है। और इस मूवी में चतुर रामलिंगन का वो एपिक स्पीच आप सभी को याद होगा। इस मूवी के पहले हमें पता भी नहीं था कि लद्दाख भी हमारे देश का एक हिस्सा है, लेकिन इस मूवी के बाद लद्दाख टूरिज्म के अंदर 30% से सीधा 300% में बढ़ोतरी आई है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए टॉप 10 वेब सीरीज की लिस्ट, टॉप 10 अंडररेटेड मूवीज की लिस्ट भी बहुत जल्द आ रही है। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।